कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 4 सालों से जेलों में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मन रहा था, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य होने के बाद जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने पहुंचे। पर्व को लेकर जेल प्रबंधन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। कटघोरा उपजेल में बंद 218 बंदियों को राखी बांधने बहनों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बहनों की लाइन जेल के बाहर लगी रही और उन्होंने अपने भाइयों की कलाई सजाई। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर चारों तरफ खुशहाली नजर आई। भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक इस पर्व को मनाए जाने को लेकर बहनों में काफी उत्साह देखने को मिला। हर तरफ केवल खुशियां और उमंग देखने को मिली, लेकिन उपजेल कटघोरा में इस पर्व के दौरान बहनों के चेहरे मुरझाए हुए नजर आए। हर बहन का सपना होता है कि वो घर पर अपने भाई को राखी बांधे, लेकिन जिस तरह से उन्हें जेल में उन्हें यह पर्व मनाना पड़ रहा है उससे वे काफी उदास नजर आई। भीगी आंखों से उन्होंने अपने भाई की कलाई सजाई और भाइयों से वादा लिया कि भविष्य में ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे उन्हें दोबारा जेल में राखी का पर्व मनाना पड़े। जेलर सीमा उराव ने बताया कि यहाँ कुल 218 कैदी बंद हैं जिन्हें राखी बांधने के लिए विशेष व्यवस्था दी गई है। बहनों को केवल राखी लाने को कहा गया जबकि बाकी व्यवस्था जेल प्रबंधन की तरफ से की गई है। ये जेल मुख्यालय से आदेश प्राप्त हुआ है, उसके निर्देश अनुसार हम लोग रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। यहाँ बहनों को अंदर लेके बंदी भाइयों से थाली वाली की व्यवस्था की गई है पूरी। फिर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। 218 है और लगभग अभी 60 बंदियों के भाई बहन लोग आ चुके हैं। कितने टाइम से कितने टाइम तक बंद? सुबह 9 से 1 बजे का टाइम दिए हैं और आते हैं तो राखी ले लेंगे। जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने का दौर शाम तक चलता रहा, जहां बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर अपना फर्ज निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।